कुछ इस प्रकार से श्रद्धालु यहाँ पर उस आवाज़ को सुनने का प्रयास कर रहे हैं इस दिव्य प्राचीन द्वापर युग के वट के वृक्ष से। दोस्तों यहाँ पर भी एक श्रद्धालु है जो कि कान लगा करके ध्यानपूर्वक आवाज़ सुनने का प्रयास कर रहे हैं। आवाज़ सुनाई दे रहे भैया? हाँ भैया, बीच में आती है, हल्की सी थोड़ी सी आती है। अच्छा अच्छा कैसी आवाज़ थी? इस वृक्ष में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की, गोरा वाला वृक्ष राधा रानी और ये वाला काला वाला वृक्ष भगवान श्री कृष्ण एक दूसरे का आलिंगन किए हुए ये दर्शन हो रहे हैं इस स्थान पर, इस दिव्य बाबा जी के कुटिया के प्रांगण में। दोस्तों और हम जो है मंदिर के दर्शन कराते हैं आपको बाबा जी की कुटिया में। बड़ा सुंदर सा मंदिर बाबा ने बनाया हुआ भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का। राधे राधे बाबा। और ये बड़े दिव्य दर्शन है दोस्तों बाबा जी ने अपने कुटिया में। ये देखें भगवान के बड़े सुंदर मंदिर को बनाया हुआ, ये देखें आप। ये जो वृक्ष है ये भगवान श्री कृष्ण स्वरूप है और ये जो गोरा वृक्ष है ये राधा रानी स्वरूप है दोस्तों। और एक ही में एक ही जड़ है दोस्तों। ये देखें आप, ये देखें आप, ये राधा रानी और ये भगवान श्री कृष्ण एक दूसरे से आलिंगन किए हुए एक प्राण। राधे राधे दोस्तों, ब्रजमंडल में आपका स्वागत है। दोस्तों ब्रज 84 कोस की यात्रा कर रहा हूँ और इस दौरान जितने भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के द्वापर युग के लीला स्थली हैं उनके दर्शन करा रहा हूँ। दोस्तों इस वीडियो में आज मैं आपको दर्शन कराऊंगा वंशी वट के। यह स्थान पड़ता है दोस्तों माट में, माट जो कि वृंदावन से 10 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। माट में भगवान के तीन प्रमुख स्थान हैं दोस्तों, तीन प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। एक तो ये वंशी वट है और दूसरा है दोस्तों भांडीर वन, तीसरा है राधा रानी जी का मंदिर। तीनों के दर्शन मैं अलग अलग वीडियो के रूप में कराऊँगा। इस वीडियो में मैं वंशी वट के संपूर्ण दर्शन कराने वाला हूँ दोस्तों। वंशी वट एक वट का वृक्ष है दोस्तों, द्वापर युग का 5,500 वर्ष पुराना, जिसके नीचे भगवान श्री कृष्ण ने खड़े होकर के बंसी बजाई थी और 16,108 गोपियों ने महारास लीला की थी दोस्तों। आज भी उस वट के वृक्ष से कान लगा करके आप सुनेंगे तो वो जो महारास की ध्वनि है वो आज भी सुनाई देती है दोस्तों। उस वट के वृक्ष से बंसी की आवाज़ सुनाई देती है दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के बांसुरी की ध्वनि सुनाई देती है। इसके अलावा ढोलक, मृदंग, पायल, घुंघरू की आवाज़ सुनाई देती है उस वट के वृक्ष के, अगर आप कान लगा करके सुनेंगे दोस्तों तब। ऐसा दिव्य वृक्ष है जिसे वंशी वट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसके अलावा वंशी वट के चारों तरफ घना जंगल है दोस्तों। उस जंगल में संत, बड़ी संख्या में संत कुटिया बना करके भजन करते हैं, तपस्या करते हैं दोस्तों, भगवान की आराधना करते हैं। दोस्तों हमारी जो यात्रा है ब्रज 84 कोस की यात्रा, वो माट पहुँच चुकी है। माट जो कि वृंदावन से 10 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से तीन महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल जुड़े हुए हैं। एक तो ये है वंशी वट जिसके मैं दर्शन कराऊंगा इस वीडियो में, दूसरा दोस्तों भांडीर वन जहाँ भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का विवाह स्वयं ब्रह्मा जी ने करवाया था, तीसरा स्थान है राधा रानी जी का मंदिर। तीनों स्थान के दर्शन मैं अलग अलग वीडियो के रूप में कराऊँगा। जब आप बंसी वट की तरफ जाएँगे तो रास्ते में ही यहाँ पर गौशाला के दर्शन होते हैं दोस्तों। ये देखें आप, काफ़ी बड़ा सा गौशाला है तो यहाँ गौ माता के आप दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों आगे जब आप बढ़ेंगे तो एक तलैया के, एक सरोवर के दर्शन होते हैं जिसे श्याम तलैया बोलते हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपनी बंसी से प्रकट किया था गोपियों के लिए। फिर इसके बाद हम आपको दर्शन कराएंगे वंशी वट के घने जंगल के, जिसमें दिखाऊंगा मैं कि किस प्रकार बड़ी संख्या में संत कुटिया बना करके तपस्या करते हैं। फिर अंत में हम चलेंगे उस प्राचीन द्वापर युग के वट के वृक्ष के दर्शन कराएंगे, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में बंसी बजाई थी खड़े होकर के उसके नीचे दोस्तों, और गोपियों ने महारास लीला की थी। आज भी उस वट के वृक्ष से बंसी की ध्वनि सुनाई देती है, घुघरू, पायल, ढोलक, मृदंग की, या फिर कह सकते हैं संपूर्ण महारास की जो ध्वनि है वो आज भी सुनाई देती है उस वट के वृक्ष से दोस्तों। वो सब कुछ हम चल करके दर्शन कराएंगे, दिखाएंगे भी आपको। अभी दोस्तों हम आ चुके हैं श्याम तलैया के पास। ये जो सामने आप देख पा रहे हैं
ये वही श्याम तलैया है जिसे श्याम सुंदर ने अपने बंसी से प्रकट किया था, भगवान श्री कृष्ण ने अपने बंसी से प्रकट किया था गोपियों के लिए। जैसा कि मैंने बताया, इस स्थान पर 16,108 गोपियों के संग भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला की थी, जिसे महारास लीला कही जाती है दोस्तों। और गोपियों के लिए इस सरोवर का निर्माण किया दोस्तों, अपने बंसी से स्वयं उन्होंने प्रकट किया गोपियों के लिए इस कुंड को, इस सरोवर को, जिसे श्याम तलैया के नाम से जानते हैं। बड़ा ही पवित्र और द्वापर युग का प्राचीन सरोवर है दोस्तों। इसमें आप कछुए भी देख पा रहे हैं और इसके चारों तरफ अगर आप देखें दोस्तों तो बड़ी ही सुंदर हरियाली है। बड़े ही सुंदर तरीके से इसका जीर्णोद्धार किया गया है और चारों तरफ जो है हरियाली बड़ी ही मनमोहक है दोस्तों। ये श्याम तलैया है मित्रों। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 गोपियों संग महारास लीला की थी। मित्रों, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण द्वापर में गाय चराने के लिए आते थे, अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ खेलने के लिए आया करते थे दोस्तों। और यहाँ पर वह वृक्षों पर बैठ करके बंसी भी बजाते थे दोस्तों। जब गायें दूर दूर चली जाती थी चरने के लिए तो वह अपनी बंसी बजा करके गायों को बुलाते थे दोस्तों, और अपने मित्रों के साथ यहाँ खेला भी करते थे दोस्तों। तो यह उनकी खेलन भूमि है, यह उनकी रासलीला भूमि है, यह उनकी गौचारण भूमि है भगवान श्री कृष्ण की दोस्तों। जब एक बार भगवान श्री कृष्ण यहाँ गऊ चराने के लिए आए हुए थे, गऊ दूर चली गई चरने के लिए, गऊ माताएँ, और वह बंसी बजा रहे थे दोस्तों, तभी जो है गोपियाँ आईं। गोपियों की संख्या कन्फर्म नहीं है, वो कन्फर्म मैं आगे चलूँगा वीडियो में करूँगा अभी पंडित जी के माध्यम से, लेकिन अभी आप ये मान लीजिए 16,108 गोपियाँ थीं कुल दोस्तों। और उन गोपियों में भगवान शिव भी आए हुए थे राधा रानी का रूप धारण करके, ऐसा बताते हैं दोस्तों। क्योंकि भगवान शिव जहाँ जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की द्वापर युग में ब्रजभूमि में लीलाएँ हुई, सभी जगह पर वो मौजूद रहे हैं किसी न किसी रूप में, और भगवान की लीलाओं का दर्शन किए हैं भगवान शिव ने। तो इसी प्रकार भगवान शिव यहाँ पर भी आए हुए थे, गोपियों का रूप धारण किए हुए थे, राधा रानी का रूप धारण, बड़ा ही सुंदर रूप धारण किए हुए थे दोस्तों भगवान शिव यहाँ पर आए हुए थे। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी भगवान शिव गोपी का रूप धारण कर, बड़े ही सुंदर गोपी का रूप धारण करके आए हुए थे गोपियों के साथ। बताते हैं कि राधा रानी का रूप धारण करके आए हुए थे भगवान शिव। तो जब गोपियाँ यहाँ आ गईं तो उन्होंने कन्हैया से बोला, हे कन्हैया, हम आपके साथ रासलीला करना चाहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, कर देंगे आपके साथ रासलीला। उन्होंने कहा गोपियों ने कि आपको बंसी बजाना पड़ेगा, हम नृत्य करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण तैयार हो गए। तो उन्होंने कहा, ऐसा है, गोपियों ने बोला कि ऐसा है कि हमारे लिए सबसे पहले तो आप एक तालाब बनाओ, हमारे लिए पानी का प्रबंध करो ताकि हम स्नान कर लें, श्रृंगार कर लें, इसके बाद हम आपके साथ महारास लीला करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने इस स्थान पर इस कुंड को प्रकट किया, अपने बंसी से खोदा, तब जाकर के ये श्याम तलैया प्रकट हुआ दोस्तों। यहाँ पर गोपियों ने स्नान किया, आचमन किया, श्रृंगार किया। श्रृंगार करने के बाद यहाँ पर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण संग महारास लीला की दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजाई थी और यहाँ से आगे वो स्थान है जहाँ पर उन्होंने बंसी बजाई थी, वहाँ पर प्राचीन द्वापर युग का वट का वृक्ष भी मौजूद है जहाँ पर उन्होंने खड़े होकर के बंसी बजाई थी दोस्तों। जी हाँ, तब जो है 16,108 गोपियों ने महारास लीला की थी दोस्तों। तो ये भगवान श्री कृष्ण की महारास स्थली भी बोली जाती है, गौचारण भूमि भी बोली जाती है, और साथ ही साथ उनकी एक खेलन भूमि भी रही है दोस्तों। यहाँ पर द्वापर में मित्रों के साथ आते थे, खेलते थे, गाय चराते थे। ऐसा ही दिव्य स्थान है श्याम तलैया के बिल्कुल बगल से ही इस वंशीवट के घने जंगल में जाने के लिए मार्ग बना हुआ है। यहाँ पर बड़ी संख्या में संत कुटिया बना करके तपस्या करते हैं, भजन करते हैं दोस्तों। चले जी दोस्तों, आपको हम इस घने वन में भ्रमण कराते हैं। ये बड़ा ही दिव्य स्थान है दोस्तों और ये बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है दोस्तों। एक बाहर संत बैठे हुए थे, उनसे मैंने पूछा भी, उम्रा 100 बीघा की ज़मीन में फैला हुआ है वंशीवट का ये घना जंगल दोस्तों। तो इसमें मैं यही आपसे कहूँगा कि जब भी आप इसमें अंदर प्रवेश करें तो ज़्यादा अंदर आप ना जाएँ, कुछ ही दूर तक जा करके घूमें, क्योंकि ज़्यादा अंदर जाएंगे तो रास्ता भटक जाएंगे। और वैसे भी अभी मैं आपको कुछ हद तक अंदर ले चलूँगा, कुछ संतों की कुटिया के दर्शन भी कराऊँगा। यहाँ पर दोस्तों एक और दिव्य बात है कि यहाँ पे बड़ी संख्या में भगवान श्री कृष्ण के मयूर रूप के दर्शन होते हैं। यहाँ मोर भगवान बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं, जी हाँ, जो कि यहाँ अपने भक्तों की रक्षा करते हैं दोस्तों।
यहाँ भगवान का पहरा रहता है, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का पहरा रहता है, क्योंकि उनके भक्त जो कि यहाँ संत के रूप में भजन करते हैं इस घने सुंदर वंशी वट के जंगल में दोस्तों। तो भगवान स्वयं इनकी रक्षा करते हैं, इन संतों की जो कि उनकी आराधना करते हैं दोस्तों। ये देखें इस तरह से कुटिया बनी हुई है, इसमें कुछ कुटियाँ जो है दोस्तों आकाश कूस मिट्टी की दीवार ऐसे बने हुए हैं दोस्तों। बिल्कुल नेचुरल प्लेस है, प्राकृतिक सुंदरता यहाँ विद्यमान है, शांति है, सुकून है दोस्तों। चलते हैं आपको आगे दर्शन कराते हैं अंदर भी दोस्तों। जैसा कि आप सामने देख पाएँ यहाँ भगवान श्री कृष्ण विराजमान है बाबा जी की कुटिया के बिल्कुल प्रवेश द्वार पे दोस्तों। ये देखें ये दिव्य दर्शन है भगवान श्री कृष्ण के, ये दर्शन करें आप। यहाँ पे बड़ी संख्या में मयूर हैं दोस्तों इस वंशीवट के जंगल में दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों एक कुटिया का द्वार खुला हुआ है, तो चलिए चलते हैं। बहुत ही दुर्लभ दर्शन होते हैं दोस्तों, बड़े ही दिव्य दर्शन होते हैं यहाँ वंशीवट के जंगल में संतों की दिव्य कुटिया के। ये देखें ये बाबा जी लोगों की कुटिया है, बिल्कुल वो मिट्टी की दीवार बांस और कास कूस की झोपड़ी की कुटिया है दोस्तों। ये दोस्तों ये पारस पीपल का वृक्ष है, ये देखें ये पारस पीपल का वृक्ष 84 खम्बानंद भवन में भी होता है और साथ ही साथ नारद कुंड पर होता है। इस पारस पीपल वृक्ष की खासियत ये है दोस्तों कि ये सभी जगह नहीं होता है, और दूसरी खासियत ये है दोस्तों कि इस पर 4 से 5 अलग अलग रंग के पुष्प खिलते हैं कार्तिक महीने में दोस्तों, इस पारस पीपल के वृक्ष में। अरे बाबा जी की कुटिया है ये दोस्तों। यहाँ पर जब आप शाम के टाइम में आएंगे तो बड़ी संख्या में आपको मोरों के दर्शन होंगे, यानी भगवान श्री कृष्ण के मयूर रूप के दर्शन होते हैं दोस्तों। अभी क्या है कि दोपहर के आसपास का टाइम है, तो इस वजह से बहुत कम ही मयूर देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक जगह दर्शन भी कराया किस प्रकार संत की कुटिया पर भगवान मोर के दर्शन हुए दोस्तों। अभी यहाँ पर भी मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के मयूर रूप के दर्शन कराता हूँ, ये दर्शन करें आप। देख रहे हैं दोस्तों बहुत ही दिव्य दर्शन होते हैं इस वंशीवट में भगवान के मयूर रूप के दोस्तों, ये दर्शन करें आप। बहुत बृहद जंगल है दोस्तों वंशीवट का, यहाँ प्राकृतिक खूबसूरती, प्राकृतिक रमणीयता, प्राकृतिक सुकून सब कुछ है। यहाँ सिर्फ आपको जो है प्रकृति की आवाज़ें सुनाई देंगी, इतना शांति सुकून है यहाँ पर। अभी मैं यहाँ से आगे चलूँगा तब जो है आपको उस वट के वृक्ष के दर्शन कराऊँगा, लेकिन अभी जो है इस दिव्य स्थान के दर्शन करा रहा हूँ, वंशीवट के इस जंगल के दर्शन करा रहा हूँ, यहाँ पर कुटिया के दर्शन करा पा रहा हूँ। ये देखें ये बाबा जी की एक कुटिया है दोस्तों, ये देखें आप। और यहाँ पर बाबा जी ने तुलसी मैया के ढेर सारे वृक्ष लगा रखे हैं, ये देखें, ये कह सकते हैं छोटा सा वृंदावन बाबा जी ने अपनी कुटिया के पास में बसाया हुआ। ये देखें वहाँ पर भी एक कुटिया बनी हुई है दोस्तों, ये दर्शन करें आप। तो ये है जी दोस्तों बाबा जी की कुटिया, ये प्रांगण कितना सुंदर है, ये देखिए प्राचीन वृक्षों से सजा हुआ ये स्थान है दोस्तों। यहाँ पे बाबा जी ने एक झूला भी बनाया हुआ है ठाकुर जी श्री जी के लिए दोस्तों। दोस्तों सुंदरता बड़ी ही अद्भुत है, अलौकिक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर एक कुटिया के गेट खुले हुए हैं, ये देखें लताओं पताओं से सुंदर तरीके से सुसज्जित है दोस्तों ये प्रवेश द्वार। अभी थोड़ा सा हम अंदर चलेंगे, बाबा जी की कुटिया के दर्शन कराने का प्रयास करेंगे दोस्तों। चलें चलते हैं। ये देखें बाबा जी ने कितनी सुंदर कुटिया बना रखी है दोस्तों, यहाँ कुटिया को सुंदर लताओं पताओं से सजाया हुआ, ये देखें है ना दिव्य स्थान दोस्तों। ये बाबा जी की दिव्य कुटिया के दर्शन करा पा रहा हूँ दोस्तों वंशीवट के इस घने जंगल में। ये बाबा जी की कुटिया है, बाबा जी ने मंदिर भी बनाया हुआ है यहाँ पर। और ये देखें यहाँ पे सब्जी वगैरह बाबा जी ने लगाया हुआ है दोस्तों। ये देखें केले के वृक्ष हैं, फूलों के वृक्ष हैं दोस्तों, ये दर्शन करें आप। और ये जितने भी यहाँ पुष्पों के वृक्ष हैं दोस्तों, इन पुष्पों का जो प्रयोग है बाबा जी लोग भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के सेवा में के लिए करते हैं। ये कदम के वृक्ष है दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के सबसे प्रिय वृक्ष, जहाँ पर बैठ करके वो बंसी बजाया करते थे दोस्तों। बड़ा ही दिव्य अलौकिक और अद्भुत स्थान है दोस्तों, ये दर्शन कर पा रहे हैं आप। ये देखें
कुटिया में बाबा जी ने बड़ा ही सुंदर मंदिर बनाया हुआ है, आप यहाँ से दर्शन कर सकते हैं। यहाँ श्री गिरिराज जी महाराज के दर्शन करें। ये श्री गिरिराज जी की शिला है जो कि बाबा जी ने यहाँ पर अपनी कुटिया में विराजमान किया हुआ है। ये देखें केले के वृक्ष हैं दोस्तों ये, और हम जो है मंदिर के दर्शन कराते हैं आपको। बाबा जी की कुटिया में बड़ा सुंदर सा मंदिर बाबा ने बनाया हुआ भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का। दोस्तों बाबा जी से हमने आग्रह किया तो बाबा जी ने अपने कुटिया में भगवान के दर्शन कराने की इजाज़त दी। राधे राधे बाबा। और ये बड़े ही दिव्य दर्शन है दोस्तों। बाबा जी ने अपने कुटिया में ये देखें भगवान के बड़े ही सुंदर मंदिर को बनाया हुआ, ये देखें आप, ये देखें अलौकिक दिव्य स्थान है दोस्तों। बंसीवट के घने जंगल में बाबा जी के कुटिया में भगवान के बड़े ही सुंदर मंदिर के दर्शन करा रहा हूँ। भगवान के बड़े ही सुंदर विग्रह स्वरूप के भी यहाँ दर्शन होते हैं, ये आप दर्शन करें दोस्तों। दिव्य दर्शन है बाबा जी की कुटिया में भगवान के इस बड़े ही सुंदर मंदिर के। ये दोस्तों हमने बाबा जी की कुटिया के दर्शन कराए दोस्तों। आपने देखा ना ऐसी महिमा है दोस्तों इस बंसीवट के घने जंगल की। ये देखिए अभी दोस्तों हम जिस कुटिया के दर्शन कराएं इसके चारों तरफ की आपको हम परिक्रमा कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। अगर आप देख पाएँ तो यहाँ पर भी कुटिया है दोस्तों। ये देखें बाबा जी की लोगों की कुटिया है, ये देखें संतों की कुटिया है जहाँ पर संत भजन करते हैं, तपस्या करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे कुल मेरे हिसाब से देखने में लग रहा है कि 4 से 5 कुटिया बनी हुई है दोस्तों। और कुटिया को बनाने के लिए यही मटेरियल का यूज किया जाता है, कास कूस बांस मिट्टी, क्योंकि ये जो आनंद देता है ना दोस्तों, इसमें रहने का जो आनंद है वो पक्के लग्जरियस मकानों में नहीं है दोस्तों। क्योंकि ये जो कुटिया बनती हैं इन चीज़ों से, यह दोस्तों गर्मियों में एसी जैसी ठंडक इसमें होती है। ये देखें यहाँ पर भी कुटिया है बाबा जी लोगों की, और ये देखें यहाँ पर भी कुटिया है, यानी यहाँ पर कुल 3 से 4 कुटिया बनी हुई हैं दोस्तों इस स्थान पर जहाँ की जिसके मैंने आपको दर्शन कराए। और ये घना वंशीवट का जंगल है दोस्तों, ये दर्शन करें आप। अभी और आगे चलते हैं दोस्तों, और भी दर्शन कराते हैं आपको। इस तरह से पतले पतले रास्ते बने हुए हैं, लेकिन अगर आप भटकाव से बचना चाहते हैं तो इस पतले रास्ते पर ना चलें दोस्तों। ये जो मार्ग पर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, मैं तो इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता दिखा सकूँ आपको, प्राकृतिक सौंदर्य दिखा सकूँ। ये देखें आप, देखें आप कितना अद्भुत अलौकिक स्थान है। यहाँ पर देखें किस तरह से खूबसूरत तरीके से बनाया गया है, ये देखें आप, ये देखें यहाँ पर भी कुटिया है दोस्तों बाबा जी लोगों की। यहाँ पर इस स्थान पर कोशिश करता हूँ बाबा जी को बुलाता हूँ दोस्तों दर्शन का, क्योंकि कुटिया ये बाबा जी की बड़ी ही सुंदर मुझे दिख रही है यहाँ से। मित्रों हमने बाबा जी से आग्रह किया तो बाबा जी ने कुटिया का गेट खोला और हम कुटिया के आपको दर्शन कराते हैं। वातावरण देखें, जहाँ जहाँ पे बाबा जी लोगों ने कुटिया बनाई हुई वहाँ पे रंग बिरंगे फूलों को ज़रूर लगाया हुआ है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर बाबा जी लोग जो भजन करते ही हैं, इसके अलावा फूलों को ज़रूर यहाँ फूलों के पेड़ इसलिए लगाए हैं क्योंकि फूलों की माला बनाते हैं और उसी से श्री जी ठाकुर जी की सेवा करते हैं दोस्तों। नित्य प्रतिदिन जो है वो लोग यहाँ माला बनाते हैं बिल्कुल ताज़े ताज़े फूल तोड़ करके, और उसको जो है भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं दोस्तों। तो ये थी दोस्तों बाबा जी की कुटिया, ये देखें आप, यहाँ पे एक छोटा सा इन्होंने कुंड बनाया हुआ है, सरोवर बनाया हुआ है दोस्तों। फिलहाल पानी तो नहीं है लेकिन बड़ा ही अच्छा लग रहा है दोस्तों देखने में। इसमें जितना आप घूमोगे उतना ही जो है सुंदरता आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। वीडियो लंबी बेशक होगी लेकिन आपको संपूर्ण दर्शन करा पा रहा हूँ। ये देखिए इधर से मैं आया हूँ दोस्तों इस तरफ से, और इधर को मैं गया हुआ था, इधर एक बाबा जी की कुटिया थी मैंने दर्शन करा, फिर आगे से घूम करके इस कुटिया में मैं आ गया दर्शन कराने के लिए आपको। ये देखिए प्राचीन वृक्ष हैं दोस्तों, ये द्वापर युग के वृक्ष हैं, और इस वंशीवट में जितने भी प्राचीन वृक्ष आप देख रहे हैं ये भगवान के स्वरूप हैं, ये संतों के स्वरूप हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया पिछले जन्म में ये संत थे जिन्होंने कड़ी तपस्या करी, तो भगवान से वरदान के रूप में इन्होंने इस स्थान पर ब्रज की भूमि में वृक्ष के रूप में यहाँ पर आज विराजमान है दोस्तों। तो ये संत हैं, ये कोई सामान्य वृक्ष नहीं है दोस्तों। अभी हम चलते हैं यहाँ से आगे और भी दर्शन कराते हैं दोस्तों। ये बाबा जी की कुटिया थी जिसके मैंने आपको
दर्शन कराया। बाबा जी ने कुटिया के अंदर फ़ोटो लेने के लिए मना किया तो अंदर फ़ोटो नहीं लेंगे, लेकिन ये देखें उनका पूरा ये देखें यहाँ पर फूल लगाए हुए हैं बाबा जी ने। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं तो कुटिया बनी हुई बाबा जी लोगों की, ये कुटिया भी खुली है तो हम अंदर चल करके दर्शन कराने का ज़रूर प्रयास करेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले बाबा जी लोगों से परमिशन ज़रूरी है दोस्तों। तो ये आप देख पाएँ तो ये बाबा जी की कुटिया है दोस्तों, ये आप दर्शन करें। अभी दोस्तों हम बाबा जी की कुटिया के भी दर्शन करेंगे, बाबा जी ने बोला है कि आप कुटिया दिखा सकते हैं। ये देखें मिट्टी की दीवार है, कास कूस की झोपड़ी है, और एक गर्मियों में एसी से भी जो है कह सकते हैं अधिक ठंडा रहता है, बहुत सुकून रहता है। यहाँ समरसेबल का पानी है, ठंडा ठंडा पानी पिया दोस्तों, मुँह धुला तब जा करके थोड़ा रिलीफ मिला। ओहो, ये देखें भगवान के दर्शन हो गए दोस्तों बाबा जी की कुटिया में, ये देखें। अभी तक मैंने 3 मयूर रूप के दर्शन कराए भगवान के, और बाबा जी लोगों की कुटिया में ये जो मयूर रूप के दर्शन है ना दोस्तों, संध्याकालीन होने पर बड़ी संख्या में होने लगते हैं, ये जैसा कि आप यहाँ पर कर पा रहे हैं। बड़ा ही रमणीय वातावरण है यहाँ का दोस्तों, ये देखें यहाँ पे भी एक छोटा सा कुंड बना हुआ है। एक कुंड क्यों बनाया जाता है, बारिश का पानी इकट्ठा हो, यहाँ पर जो मोर हैं उनको पानी यहाँ उपलब्ध हो सके दोस्तों, इसी वजह से यहाँ पर हर कुटिया के पास छोटे छोटे तालाब बनाए गए हैं, जैसा कि ये भी देखें। यहाँ पे पानी को समरसेबल से भी भरा जाता है दोस्तों, ताकि मोर जो हैं पानी पी सकें। यहाँ पे हज़ारों की संख्या में मोर रहते हैं दोस्तों इस वंशीवट के घने जंगल में। दोस्तों ये है बाबा जी की कुटिया, ये देखें आप, ये देखें दोस्तों, करोड़ों का जो मकान आज बन रहे हैं ना, उनमें वो सुकून नहीं जो इस कुटिया में होता है। बहुत ठंडक है मित्रों इस कुटिया में, मिट्टी की लेप लगाया गया है इस दीवारों पर, ये पूरी दीवार मिट्टी की है दोस्तों, ये ना समझिएगा इसमें ईंटें वगैरह लगाएं, पूरी मिट्टी की दीवार है दोस्तों। ये देखें ऊपर, और यहाँ पे बाबा जी ने एक मंदिर भी बनाया हुआ है, ये यहाँ पे बाबा जी पूजा करते हैं दोस्तों। अभी चलिए आगे चलते हैं और भी दर्शन कराते हैं दोस्तों आपको। यहाँ पर भी दोस्तों कुटिया के दर्शन करें बाबा जी के, ये देखें चारों तरफ सुंदर वातावरण, बीच में बाबा जी की कुटिया है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर भी एक कुटिया है, कुटिया का द्वार खुला हुआ है, तो चलिए इस कुटिया में भी देखते हैं कि यहाँ का दर्शन कैसा है, इसके बाद हम आपको आगे लेकर के चलेंगे दोस्तों। ये देखें आप, ये कुटिया के दर्शन करें पहले, यहीं से आप एक बार चारों तरफ का दर्शन करें। जब भी आप बंसीवट आएँ दर्शन करने के लिए, तो श्याम तलैया के पास से ही इस बंसीवट के जंगल में प्रवेश करने का रास्ता है दोस्तों, तो प्रवेश करके यहाँ पे संतों की कुटिया के दर्शन जरूर करें, कि किस प्रकार आज भी ब्रज की इस भूमि में संत तपस्या करते हैं दोस्तों, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का भजन करते हैं मित्रों। और अगर मैं दिखाऊं बाबा जी की इस कुटिया में, तो ये देखें एक प्राकृतिक झूला बना हुआ है, इस वृक्ष ने खुद झूला बनाया हुआ है अपने आप को, ये देखें आप, ये देखें ऐसे ही झूलों पर आज भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी आते हैं, झूलते हैं दोस्तों। सामने देखें बाबा जी ने रंग बिरंगे फूल लगाए हुए हैं कुटिया के प्रांगण में मित्रों, ये आप देखें। दोस्तों एक और बाबा जी की कुटिया में हम आ चुके हैं, ये आप दर्शन करें। इस वाले कुटिया में उन्होंने मंदिर बना रखा है बाबा जी ने, ये देखें आपको थोड़ा सा मंदिर में भगवान के दर्शन भी करा देते हैं, तो ये दर्शन करें आप भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के सुंदर विग्रह को बाबा जी ने स्थापित किया। सामने तुलसी मैया के भी दर्शन है दोस्तों,
ये कुटिया के दर्शन करें आप। इसे बाबा जी ने मंदिर बनाया हुआ है दोस्तों, और कुटिया के प्रांगण में प्राचीन वृक्ष मोर के पंख ये दर्शन कर पा रहे हैं आप। ऐसे वीरान घने जंगल में बाबा जी लोग तपस्या करते हैं दोस्तों, आराधना करते हैं भगवान की, ये आप दर्शन करें। अभी एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, वृंदावन जो है, वृंदावन का मतलब होता है तुलसी के पौधों का घना वन। तो बाबा जी ने यहाँ पे एक छोटा सा वृंदावन बनाया हुआ है, ये देखिए आप, तुलसी मैया को यहाँ लगाया हुआ है दोस्तों, वृंदा देवी। जी हाँ दोस्तों, वृंदा देवी ही हैं जिनकी वजह से आज भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी ब्रज की भूमि में रास लीला करते हैं, यहाँ आज भी विराजमान रहते हैं, नित्य प्रतिदिन आते हैं। तो इसका श्रेय वृंदा देवी को, तुलसी मैया को ही जाता है दोस्तों। तो बाबा जी ने यहाँ अपने कुटिया के चारों तरफ तुलसी के पौधों को लगाया हुआ है, ये दिव्य दर्शन आप कर पा रहे हैं इस बाबा जी की कुटिया में। दोस्तों यहाँ पर जो है बाबा जी के कुटिया के प्रांगण में एक दिव्य वृक्ष के दर्शन हो रहे हैं, अभी मैं आपको दर्शन कराता हूँ। दोस्तों ये जो वृक्ष है ना, इसमें भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साक्षात दर्शन हो रहे हैं, ये देखें। तो इसमें एक वृक्ष गोरा है और एक वृक्ष काला है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण श्यामले थे, काले थे, तो ये जो वृक्ष है ये भगवान श्री कृष्ण स्वरूप है, और ये जो गोरा वृक्ष है ये राधा रानी स्वरूप है दोस्तों, और एक ही जड़ है दोस्तों। ये देखें आप, ये राधा रानी और ये भगवान श्री कृष्ण एक दूसरे से आलिंगन किए हुए एक प्राण दो देही स्वरूप के यहाँ दर्शन हो पा रहे हैं दोस्तों। जैसा कि राधा रानी भगवान श्री कृष्ण एक ही थे, उनका प्राण एक ही है दोस्तों, लेकिन ब्रज में अवतरित हुए तो दो अलग अलग शरीर धारण करके उनका अवतार हुआ था, बट उनका जो है प्राण एक ही है दोस्तों। साक्षात यहाँ दर्शन हो रहे हैं इस वृक्ष में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के, गोरा वाला वृक्ष राधा रानी और ये वाला काला वाला वृक्ष भगवान श्री कृष्ण एक दूसरे का आलिंगन किए हुए ये दर्शन हो रहे हैं इस स्थान पर, इस दिव्य बाबा जी के कुटिया के प्रांगण में दोस्तों। दोस्तों अगर आप देख पाए तो सामने मंदिर दिखाई दे रहा है, वही है दोस्तों वंशी वट का मंदिर। यहाँ से वो वट का वृक्ष भी दिखाई दे रहा है जिसके नीचे भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में खड़े होकर के बंसी बजाई थी, उसी वट के वृक्ष से आज भी भगवान श्री कृष्ण की बंसी की आवाज़ सुनाई देती है, महारास लीला की आवाज़ सुनाई देती है, ढोल मृदंग घुघरू पायल और साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण की बंसी की आवाज़ सुनाई देती है उस वट के वृक्ष से, राधा रानी के पायल की भी आवाज़ सुनाई देती है दोस्तों। हम जी 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 तो हम चलेंगे वहाँ, दर्शन भी कराएंगे, लेकिन यहाँ पर भी आप देखें बाबा जी ने कुटिया बनाई हुई है इस स्थान पर, ये देखें यहाँ पर मंदिर भी छोटा सा बनाया हुआ है बाबा जी ने। अब दोस्तों हम चलिए वापस चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं और आपको वंशी वट के दर्शन कराते हैं। दोस्तों हमने जो है वंशी वट के इस घने वन में आपको दिव्य संतों की कुटिया के और संतों के दर्शन कराए दोस्तों, अब हम वंशी वट के दर्शन कराने के लिए चलते हैं। अभी यहाँ से निकलते हैं, सबसे पहले तो श्याम तलैया पहुँचते, क्योंकि श्याम तलैया से हम यहाँ प्रवेश किए थे इस वंशी वट के घने जंगल में दोस्तों। जितना दिखाया इससे कई गुना बड़ा है दोस्तों ये वंशीवट का वन। दोस्तों यहाँ पर मैंने दिखाया संत रहते हैं, कुटिया बना करके भजन करते हैं, तपस्या करते हैं दोस्तों। दोस्तों हम आ चुके हैं श्याम तलैया,
अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, बंसी वट के दर्शन कराएंगे आपको। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बंसी से इसे प्रकट किया था, क्योंकि 16,108 गोपियाँ लगभग आई हुई थी उनके साथ महारास करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए पहले पानी का प्रबंध करिए कन्हैया, तब हम महारास करेंगे। तो भगवान ने बंसी से इसको प्रकट किया, 16,108 गोपियों ने इसमें स्नान किया, श्रृंगार किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजाया, गोपियों ने महारास लीला की यहाँ पर। अब देर न करते हुए हम आपको उस बंसी वट के दिव्य वृक्ष के दर्शन कराते हैं, जहाँ से आज भी बंसी की आवाज़ सुनाई देती है। दोस्तों फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं बंसी वट मंदिर के मुख्य प्रांगण में। ये इस तरफ मंदिर है दोस्तों, और भगवान के दिव्य दर्शन है मयूर रूप के यहाँ पर। ये देखें, आप आवाज़ भी सुन पा रहे होंगे। तो चलें जी दोस्तों, अब हम मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते हैं और आपको दर्शन कराते हैं उस दिव्य 5,500 वर्ष प्राचीन द्वापर युग के बंसी वट के वृक्ष के। ये वट का वृक्ष है दोस्तों, यही वो, ये आप जो देख पा रहे हैं 5,500 वर्ष प्राचीन द्वापर युग का वृक्ष है दोस्तों ये। इसी के नीचे बैठ खड़े होकर के भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजाई थी दोस्तों, तब जा कर के गोपियों ने, लगभग 16,108 गोपियाँ थी दोस्तों, उन्होंने महारास लीला की। ये आप दर्शन करें, यही वो वृक्ष है, दिव्य वट का 5,500 वर्ष प्राचीन वृक्ष है दोस्तों। यहाँ पर देखें तो जो श्रद्धालु हैं कान लगा करके ध्यान से इसमें सुनते हैं, क्योंकि बंसी की आवाज़ सुनाई देती है, ढोलक की आवाज़ सुनाई देती है, घुघरू पायल की आवाज़ सुनाई देती है दोस्तों। यानी महारास लीला के दौरान जितनी भी आवाज़ें उस वक्त हुई थी, वो सभी आवाज़ें इस वट के वृक्ष में सुनाई देती हैं दोस्तों। ये देखें आप, इसी प्रकार जो श्रद्धालु हैं कान लगा करके वृक्षों में सुनते हैं, क्योंकि यहाँ पर आज भी वो महारास लीला की आवाज़ इस दिव्य वृक्ष में सुनाई देती है दोस्तों। इस वट वृक्ष की दिव्यता ये भी है दोस्तों कि ये अगर देखें तो इस तरह से अलग अलग वृक्ष के रूप में ये जो है, ये देखें यहाँ पर देखें, और एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये सब इस वृक्ष की प्राचीनता की निशानी, प्राचीनता के प्रमाण है दोस्तों कि वही 5,500 वर्ष प्राचीन द्वापर युग का वृक्ष है, जहाँ पर भगवान खड़े होकर के बंसी बजाए थे इसी के नीचे दोस्तों। ये देखें इस तरह से जो है, ये वृक्ष की जो लताएं हैं दोस्तों, ये नीचे तक लटकते आ रही हैं, और इसके बाद ज़मीन में आने के बाद, स्पर्श होने के बाद एक नया वृक्ष बन जा रहे हैं दोस्तों। ये देखें आप इस प्रकार से, ये अलग ही महिमा है, अलग ही दिव्यता है इस प्राचीन द्वापर युग के वट के वृक्ष की दोस्तों। जो श्रद्धालु हैं यहाँ आते ही इस वृक्ष से लिपट करके कान लगा करके उस ध्वनि को सुनने का प्रयास करते हैं दोस्तों, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं तो जो श्रद्धालु हैं इसकी परिक्रमा कर रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ कान लगा करके आवाज़ को सुनने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर भी एक श्रद्धालु हैं जो कि कान लगा करके ध्यानपूर्वक आवाज़ सुनने का प्रयास कर रहे हैं। आवाज़ सुनाई दे रहे भैया? हाँ भैया, बीच में आती है, हल्की सी थोड़ी सी आती है। अच्छा अच्छा, कैसी आवाज़ थी वो? ऐसी बीच में सुन कर भी इस तरह से कुछ आती है। अच्छा अच्छा, आवाज़ जी जी। तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पे आवाज़ें सुनाई देती हैं दोस्तों, यहाँ पर बंसी की आवाज़ सुनाई देती है दोस्तों, ढोलक मृदंग पायल घुघरू की आवाज़ सुनाई देती है दोस्तों। ये देखिए कुछ इस प्रकार से श्रद्धालु यहाँ पर उस आवाज़ को सुनने का प्रयास कर रहे हैं इस दिव्य प्राचीन द्वापर युग के वट के वृक्ष से दोस्तों। ये देखें,
दोस्तों हमने संपूर्ण वंशीवट के दर्शन कराए और मैंने भी दोस्तों यहाँ पर कान लगा करके सुना, इस बात को रियलाइज किया तो यहाँ पर सचमुच आवाज़ आती है दोस्तों। और यहाँ पर बंसी की आवाज़ बताते हैं उसी को सुनाई देती है जिस पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की दिव्य कृपा होती है दोस्तों, तो उसे यहाँ बंसी की भी आवाज़ सुनाई दे देती है। लेकिन आपको इस तरह से कान लगा करके ध्यान से सुनना पड़ेगा दोस्तों, बिल्कुल कह सकते हैं कि ध्यान मुद्रा में अपने आप को लाना पड़ेगा इस तरह से। ये देखें आप, तब जो है आपको आवाज़ें यहाँ सुनाई देंगी। ज़्यादातर यहाँ आपको ढोलक, मृदंग, घुघरू, पायल की आवाज़ें सुनाई देती हैं दोस्तों। बंसी की आवाज़ जैसे कि मैंने बताया बहुत ही कम भक्तों को सुनाई देती है जिसके ऊपर भगवान की दिव्य कृपा होती है दोस्तों। और मैंने भी कान लगाया था तो मुझे ढोलक की आवाज़ सुनाई दी थी दोस्तों। तो जब भी आप यहाँ आएँ तो कुछ इस प्रकार से भक्त जो है, श्रद्धालु जो है, कान लगा करके आवाज़ को सुनने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो आप भी यहाँ आएँ तो आवाज़ सुन सकते हैं, इसमें कोई जो है झूठ बात नहीं है दोस्तों, ये बिल्कुल रियल सच बात है। यहाँ से आवाज़ें सुनाई देती हैं भगवान श्री कृष्ण के द्वापर युग की महारास लीला की जो आवाज़ें हैं आवाज भी यहाँ से सुनाई देती हैं, जैसा कि ये आप देख पा रहे हैं। महारास हुआ था जैसा कि मैंने बताया, महारास लीला से मतलब होता है दोस्तों कीर्तन, भजन, नृत्य, बांसुरी बजाना, ये सब कुछ महारास लीला के अंतर्गत आता है, रासलीला के अंतर्गत आता है। तो भगवान द्वापर युग में जो रासलीला करते थे गोपियों संग, राधारानी संग, अपने ग्वाल बाल मित्रों संग, तो वो करते क्या थे, जो है भजन करते थे, उस दौरान ढोलक बजाते थे, कीर्तन होता था, सखियाँ नाचती थीं, भगवान भी नाचते थे, राधा रानी नाचती थीं, घुघरू पायल पहन करके तो छम छम की आवाज़ें आती थीं घुघरू पायल की। तो ये सब कुछ आवाज़ें जो थी दोस्तों ये महारास लीला या फिर कह सकते हैं रासलीला के दौरान सुनाई देती थी। तो यहाँ पर महारास लीला हुई थी, लगभग 16108 गोपियों संग भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर महारास लीला की थी। इसी वट के वृक्ष के नीचे उन्होंने बंसी बजाई थी, तब गोपियों ने यहाँ महारास किया था दोस्तों। और ये उनकी गौचारण भूमि है, यहाँ पर वो गाय चराने आते थे, खेलने आते थे। तो जब भी वो यहाँ आते थे तो इस वट के वृक्ष पर बैठ करके जो बंसी बजाते थे दोस्तों। जब गायें दूर चली जाती थी चरने के लिए तो दूर से गायों को बुलाने के लिए बंसी बजाया करते थे, तो गायें यहाँ चले आया करती थी। एक बार जब यहीं पर आए हुए थे अपने मित्रों के साथ गाय चराने के लिए, तो यहाँ वो बंसी बजा रहे थे इसी वट के वृक्ष पर बैठ करके, तभी गोपियाँ आ गईं। लगभग 16108 गोपियाँ थी। इस दौरान भगवान शिव भी आए हुए थे दोस्तों। बता दो कि भगवान शिव बड़े ही सुंदर गोपी का वेश धारण करके आए हुए थे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो भगवान शिव थे वो राधा रानी का रूप धारण करके आए हुए थे, और भगवान श्री कृष्ण ये बात जान नहीं पाए और उन्होंने महारास लीला तो कर दी, भगवान शिव को राधा रानी समझ करके उनके साथ महारास लीला में शामिल तो हो गए, लेकिन इसी बात से राधा रानी नाराज़ हो गई थी कि हम तो थे ही नहीं, तो आपने कैसे हमारे बिना महारास लीला की। तो इसी बात से राधा रानी नाराज होकर के यहाँ से दूर जा करके रोई थी दोस्तों। उस स्थान को राधा रानी मंदिर के नाम से जानते हैं जो कि इसी मार्ट में है, उसको भी मैं दर्शन कराऊंगा एक अलग वीडियो के माध्यम से। वहाँ पर इतना रोई थी राधा रानी नाराज होकर के कन्हैया से कि वहाँ पर उनके आंसुओं से एक सरोवर बन गया दोस्तों। और यहाँ पर वंशीवट से जुड़ा हुआ कुछ पौराणिक इतिहास लिखा हुआ दोस्तों, आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं वीडियो को रोक करके। ये देखें पूरा यहाँ से वहाँ तक लिखा हुआ है दोस्तों। ये देखें आप, जैसा कि मैंने बताया ये उनकी गौचारण भूमि रही है, खेलन भूमि रही है, यहाँ वो खेलने के लिए गाय चराने के लिए आते थे, नित्य प्रतिदिन यहाँ बंसी बजाया करते थे। लेकिन गोपियों के आग्रह पर उन्होंने यहाँ उनके लिए बंसी बजाई और गोपियों ने यहाँ नृत्य किया महारास लीला की दोस्तों। चले जी, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे।